हेलो एंड वेलकम मैं हूँ आपका होस्ट नहीं हेलो एंड वेलकम मैं हूँ आपका हेलो एंड वेलकम होती है ना कन्फ्यूजन कैसे करें ओपनिंग लाइन शुरू कैसे करें अपने इवेंट के शुरू पहली लाइन कैसे बोलें और पहला जो आपका ओपनिंग एक्ट है वो इवेंट में कैसा हो ये टेंशन हमेशा रहती है कि क्या करें क्या बोले क्या ना बोले वेल आपकी टेंशन को मैं दूर करूँगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ओपनिंग शो की ओपनिंग ऐसी क्या धमाकेदार करें हमेशा ही अपने चाहे फेयरवेल पार्टी हो चाहे आपकी बर्थडे पार्टी हो चाहे कॉर्पोरेट इवेंट हो संगीत इवेंट हो आपके इवेंट में आप कैसे अपनी ओपनिंग लाइन बोलें ताकि हर कोई आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाइए देखिए ये वीडियो लास्ट तक हाय माय नेम इज़ गिरीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल एंड आई मस्ट से कि मुंबई में इस समय बरसात हो रही है और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मुंबई से हूँ मुंबई इंडिया से और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बारिश हो रही है तो मैंने फ्रेम बनवाया हुआ है तो मैं आपको पीछे बारिश नहीं दिखा सकता लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है बारिश की चाय का यहाँ पर तो ये तो हुई पर्सनल बातचीत और दूसरी बातचीत ये कि मेरे को लगता है कि हमेशा जब वीडियो बना ले है तो नई टी शर्ट्स पहनी ज़रूरी है तो पहले मैंने कुछ और कलर की पहनी फिर बड़ी मुश्किल से ये ब्लैक कलर की टी शर्ट मैंने खोजी है और तो चलो ठीक है बातें तो हो गई और अब आते हैं कि इस बात पर कि जब भी आपको इवेंट करना हो इवेंट शुरू करना हो तो ओपनिंग लाइन कैसे बोलें मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके फर्स्ट 30 सेकंड इवेंट के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उन 30 सेकंड में ही ऑडियंस डिसाइड करती है कि वो आपको सुने या ना सुने या अपने मोबाइल पे टिक 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 लगी रहे तो फर्स्ट 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि आपको पता ही है तो शो की ओपनिंग कैसे करें शो की ओपनिंग में एक बेसिक चीज़ तो है देखो करना क्या आपको आपको शो की ओपनिंग में दो चीज़ें करनी है एक उनका वेलकम करना है और दूसरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है ठीक है पहली चीज़ तो अंदर जूते मारने का मन करेगा क्लाइंट का कि हाँ इसने पैसे मेरे को टाइम पे नहीं दिए ऑडियंस जो कि खाने में बिजी आपको कोई सुन नहीं रही है कोई आपके इधर देख भी नहीं रही है लेकिन चेहरे पर ऐसी स्माइल कि आ हा 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 आप कितने खुश हैं और अंदर से भी ऐसा फील करो कितने खुश हैं तो मेक श्योर कि जब भी आप स्टेज पर आए तो बिल्कुल अंदर से मुस्कुराते हुए आए और पहली चीज़ आपको सबका वेलकम करना है तो वेलकम करने के लिए बिकॉज जितने भी शोज़ होते हैं हमारी इंडिया में वो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं तो व्हाट हाउ आई जनरली स्टार्ट विच यू हैव सीन इन माय वीडियोस आल्सो दैट आई वेलकम यू ऑल इन ऑल द स्टाइल्स वेदर इट इज़ पंजाबी गुजराती यू मस्ट हैव सीन दैट नमस्कार स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम किम छो कसा काय जय जिनेंद्र आई वी सभी मेहमानों का एंड देन यू कैन स्टार्ट की आज की इस शाम में बहुत बहुत स्वागत आज के इस इवेंट में बहुत बहुत स्वागत लेकिन अगर आपका कॉरपोरेट इवेंट है फॉर्मल कॉरपोरेट इवेंट है तो देन Hello and welcome. These are the two words which you have to definitely use and then introduce yourself. Hello and welcome. My name is Girish Sharma and I welcome you all on behalf of Syndrome Technologies or on behalf of Vashi Electricals. Then you can say the name and definitely फिर आपको एक लाइन जो बहुत ही जेनरिक है लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए और आज की शाम को आपने और भी धमाकेदार बनाया और वट एवर इट इज़ यू कैन यूज़ तो यू हैव टू थैंक दैम दैट कि आप सभी लोग यहाँ पर आए एंड देन ओपनिंग लाइन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको थोड़ा बिल्डअप करना आपको थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना और आपको उस ओपनिंग एक्ट में ही बताना है कि आज वो आपको क्यों सुने या आज वो इस कार्यक्रम को क्यों देखें तो या आज के प्रोग्राम को वो क्यों देखें फिर आपको वो ज़रूर बतानी फॉर एग्जांपल जैसे कि यकीन मानिए कि आज की शाम आपको जहाँ कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी तो वहीं डांस का जलवा भी वहीं आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेगा कि सेलिब्रिटीज़ भी आज के शाम को एंटरटेन करेंगे और इसके साथ साथ हम आज के जो विनर्स हैं यानी कि जिन्होंने पूरे साल कंपनी के लिए बहुत काम किया उन सभी को भी अवार्ड देंगे यानी कि आज की शाम आपके लिए बहुत धमाकेदार है तो आपको लेकिन ये छोटा ही बोलना है कि आज की शाम में क्या क्या होना है वो सब आपको ओपनिंग में एक बिल्डअप में आपको बोलना ज़रूरी है
ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ उनको आज की शाम के लिए क्यों, एक तो किसी ने मुझे अभी व्हाट्सएप पे यहाँ पर मैसेज कर दिया, ये मेरे बीच में आ गया, तो एनीवे कि आज शाम को या आज के प्रोग्राम को वो क्यों सुने, वो क्विकली आपको 30 सेकंड में आपको शुरुआत में बोलना है कि टुनाइट वी आर गोना शो यू द एंटरटेनमेंट, द बॉल वो दिस 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 वो बोलते हुए, लेकिन उससे पहले चलिए आपसे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। बस ये बोला और आप ऑडियंस में घुस जाओ, उसके बाद मतलब कि आपके शुरुआत का एक मिनट में आपको तीन चीज़ें बोलनी है, एक तो डेफिनेटली 40 किलो की स्माइल, अंदर से चाहे गुस्सा आ रहा और इस स्माइल के साथ आपको आना है। और कई लोग क्या होते हैं, आते ही बोलना शुरू कर देते हैं, नो 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 नो, ऐसे नहीं, पहले आपको स्माइल के साथ वहाँ पर आना है, सबकी तरफ एक बार देखना है, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑडियंस आपको देखते थोड़ा सा बिल्डअप क्रिएट होता है उसमें, अब मतलब इस सब के पीछे मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है जो मैंने यूज़ की अपने इवेंट्स में। एंड देन विद अ स्माइल यू स्टार्ट saying and welcoming, वेलकम करना है, उसके बाद आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, और अगर आप शुरुआत में शायरी वगैरह यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ आपको ये बताना है कि आज की शाम में उनके लिए क्या कुछ रखा गया है। ये सब बातें हो गई, उसके बाद फिर आप ऑडियंस में नीचे उतर जाइए और उनके बीच में एनर्जी लाने की कोशिश कीजिए, मतलब कि फिर उसके बाद आपको थोड़ी ऐसी इमेज बनानी है कि मैं जब राहुल जी ने इस इवेंट के लिए मुझे बुलाया तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं यहाँ पर बहुत ही ठंडी ऑडियंस होगी या इस तरह का, लेकिन मैं कितना गलत था, क्योंकि जिस तरीके से आप सब लोग यहाँ पर बिल्कुल इन्वॉल्व है, चाहे वो इन्वॉल्व नहीं भी होंगे, क्या होता है कि आदमी अपनी इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करता है, अगर आप उनकी तारीफ कर दो और उनको बोल दो कि नहीं यू आर सच अ गुड ऑडियंस यू नो, तो वो उस चीज़ को इमेज को बरकरार करने की कोशिश करेगी कि हाँ हम अच्छी ऑडियंस है। तो डेफिनेटली मैं सोच रहा था कि आज का शो बड़ा ठंडा होगा, लेकिन जैसे ही जब आप लोगों को देखा, आपकी जो एक्साइटमेंट देखी एक दूसरे से बात करते हुए, तो मुझे लगा कि जब मेरे साथ बात करना होगा तब तो डबल एक्साइटमेंट होगी, तो एक बार जितने भी लोग यहाँ पर है थोड़ा सा एक बार हाई करके दिखा दीजिए। तो अब क्या है, अब उनको अपनी इमेज मेंटेन करनी है ऑडियंस को, ऑडियंस की साइकी इस तरीके से चलती है कि ओ इसने कहा है कि हम अच्छी ऑडियंस है तो लेट्स मेंटेन इट कि वी आर अ गुड ऑडियंस। तो इस तरीके से आप शो की शुरुआत करें और फिर उसके बाद आप ऑडियंस में घुस जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको शुरुआत में जब आप स्टेज पर आते हैं, भले बाद में आप बिल्कुल पॉज के साथ बोलें, नॉर्मल बोले, लेकिन शुरुआत में जरा आपको स्पीड और गर्मी के साथ हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गिरीश शर्मा, और आज की ये दिल का शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी। तो चलिए आज की इस शाम अब थोड़ा धीरे हो गए, यानी शुरुआत आपको बिल्कुल थोड़ा स्पीड के साथ करनी है, एनर्जी के साथ करनी है, धमाकेदार स्टार्ट करनी है, स्पीड रहनी चाहिए शुरुआत में, और उसके बाद आप नॉर्मल जो आपका पिच है, जो आपका पेस है, उसमें आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। वेल इस वीडियो को बस ये इतनी वीडियो बन गई क्योंकि इसमें सिर्फ ओपनिंग लिंक के बारे में बताना था, और मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। वेल हाँ, आज फ्लाई करना है मुझे, आज रात को मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सिटी में, वो आपको पता चली जाएगा। तो यही है, हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये लिखो, अगर आप लोग लाइक करोगे कमेंट करोगे तो तभी मुझे लगेगा कि आपको इन वीडियोस की ज़रूरत है, क्योंकि 50 लोग मुझे ऐसे व्हाट्सएप और ये सब फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैसेजेस भेजते रहते थे, तो आपको थोड़ा सा प्यार, बिल्कुल दिल का प्यार यहाँ पे दिखाना है, इन वीडियोज़ को लाइक करना है, इन वीडियोज़ पे कमेंट करना है, अदरवाइज मुझे पता लगता है कि मैं ये सब बनाने पे लगा हुआ हूँ अकेले में, कोई इसको देख रहा है कि नहीं देख रहा, अगर आपने देखा तो नीचे लिखो नाइस वीडियो, बैड वीडियो, हे गुड या नाइस, ये वो सारी चीज़ें, जैसे आपको ऑडियंस की तारीफ करनी है तो वो आपका कहना मानेगा, वैसे आपको मेरी तारीफ भी करनी है तो मैं भी आपका कहना मानूंगा और आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। वेल विद दिस, दिस इज योर होस्ट एंड दिस द गिरीश साइन ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। 3 पॉइंट्स याद रखना, ओपनिंग स्माइल के साथ, उसके बाद आपको सभी का वेलकम करना है अलग अलग लैंग्वेजेस में जो मैं करता हूँ, और तीसरी चीज आज के शो में क्या होने वाला है ये आपको शुरुआत के एक मिनट में बताना है, और इसके साथ ही बाय, लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक 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 लाइक।